हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए फिर से लेके आए हैं रोटी की न्यू रेसिपी। हम आपके लिए हमेशा रोटी की न्यू न्यू रेसिपी लेके आते रहते हैं। तो आप लोग हमारा पूरा वीडियो देखा करें। बच्चों के लिए ही हम ये रेसिपी लेके आते हैं, हेल्दी होती है, बड़े भी खाते हैं और रोटी हमारी जो बच जाती हैं वो भी काम में आ जाती हैं। आप जो अभी हम बनाने वाले हैं वो स्नैक है, शाम को भी चाय के साथ में आप खा सकते हैं या कहीं जा रहे हैं लेके जा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा क्रंची होने वाला है, टेस्टी होने वाला है, रोटी का है तो हेल्दी भी है। तो हमें क्या करना है, ये चार पांच रोटी थी तो हमने एक मिक्सी का जार लिया है और रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके हमें एक इसका दरदरा सा पाउडर रेडी करना है। रोटी को जब हम पीसते हैं तो एकदम महीन हो जाता है, वैसा ही हमें इसका कुछ चाहिए है। तो इस तरह से हम सारी रोटियां इसमें डाल लेंगे और इसको हम एक बार या दो बार में ही अच्छे से ये पिस जाएगा, पीस लेंगे। फिर आपको हम बताने वाले हैं कि हम क्या बनाने वाले हैं रोटी से। बहुत ही ज़्यादा क्रंची बनेगा ये, आप जब इसको देखेंगे या खाएंगे तो आप भी सोचेंगे कि ये रोटी से कैसे बना है। तो अब हम इसका एक पाउडर जैसा बना लेंगे, फिर आपको हम बताते हैं। तो आप देख सकते हैं पिसने के बाद इस तरह से ये हो जाएगा और हमें ऐसा ही चाहिए। अब हमने एक बाउल लिया है, ये हम इसमें बाउल में निकाल देंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है आपको। 5 मिनट में ये रेसिपी बनके रेडी हो जाएगी। अब इसमें हम एक प्याज लिया है, महीन महीन लिया है, ज़्यादा महीन नहीं, आप पे जैसा कटे आप वैसा कर सकते हैं। प्याज डाल लिया है, एक हरी मिर्च ली है, तीखी नहीं है ये, और धनिया लिया है, ये भी हम इसमें डाल लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा अजवाइन भी डाल रहे हैं, अजवाइन हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इसमें हमने अजवाइन भी एक चुटकी मैश करके डाल दिया है। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, तो इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल रहे हैं, आप जैसा कम ज़्यादा खाते हो। अब इसमें हम एक पिंच हल्दी पाउडर डाल रहे हैं और थोड़ा सा इसमें हम चिल्ली फ्लेक्स डाल रहे हैं। अब इसमें हम बेसन डाल रहे हैं 2 बड़ा चम्मच बाइंडिंग के लिए। अगर आपका बैटर थोड़ा पानी डालते हुए गीला हो जाए तो आप बेसन उसमें और ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 2 हमने चम्मच बेसन डाला है इसमें। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हमें बैटर रेडी कर लेना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस ये अच्छे से पकोड़े की शेप में आ जाए वैसा ही हमें इसको बनाना है। तो इस तरह से हमने सारे मसाले मिला लिए हैं, देख सकते हैं आप। अब इसको हम थोड़ी देर रख देंगे जिससे जो हमने इसमें बेसन डाला है वो रोटी में अच्छे से सेट हो जाएगा। तो 1 मिनट के लिए हमें इसको इस तरह से ही छोड़ देना है, इसके बाद फिर आपको हम बनाना बताएँगे। 2 मिनट हो गया है और आप देख सकते हैं ये अच्छे से थिक भी हो गया है, इसने जो हमने पानी इसमें डाला था और बेसन डाला था वो अच्छे से इसमें मिक्स हो गया है। अब हमें इसकी इस तरह से छोटी छोटी बॉल बना लेनी है। तो इस तरह से हम बॉल बना लेंगे, आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। सारी हम बॉल रेडी कर लेंगे, फिर आपको हम बताते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमारी सारी बॉल रेडी हो गई हैं। बॉल ये अब हमें कढ़ाई लेनी है, उसमें हम ऑयल गरम करेंगे। तो हमने ये कढ़ाई ली है, कढ़ाई में हमने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। ऑयल हमें थोड़ा ज़्यादा गरम चाहिए जिससे कि जो अभी हम रोटी की बॉल इसमें फ्राई करेंगे वो इसमें ऑयल को नहीं सोखेंगी। अगर हमारा ऑयल अच्छे से गर्म नहीं होगा तो ऑयल को वो सोख लेंगी तो वो बॉल अच्छे से नहीं बनेगी। तो हमें तेल को अच्छे से गर्म करना है जिससे कि हम उसमें डालें वो एकदम से क्रंची होकर निकले, क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा कुछ भी फ्राई नहीं करना है। रोटी हमारी पकी हुई है और बेसन भी हमने थोड़ा ही मिलाया है, तो ऑयल को हमने अच्छे से गर्म कर लिया है और हमें इसमें एक एक करके सारी बॉल को डाल देना है, अच्छे से ये फ्राई हो जाए दोनों साइड से। फिर हम इनको
पलटेंगे, अभी इनको नहीं पलटेंगे हम बिल्कुल भी। तो इस तरह से एक साइड से ये सुनहरी हो जाएंगी, फिर इनको हम थोड़ा सा हिला के आपको फिर दिखा देंगे कि कैसा करना है, लेकिन अभी हमें बिल्कुल भी टच नहीं करना है, इनको सिकने देना है गोल्डन ब्राउन होने तक, फिर आपको हम बताते हैं। तो आप देख सकते हैं एक साइड से ये सुनहरी हो गई हैं। गैस को हमें तेज ही रखना है, स्लो बिल्कुल भी नहीं करना है गैस को, अच्छे से ये सिक जाएंगी दोनों साइड से। हल्का सा इसको हम जैसे रसगुल्ले फ्राई करते हैं वैसे ही थोड़ा सा हमें इनको यहाँ वहाँ घुमाते हुए फ्राई कर लेना है, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाली हैं। बिल्कुल भी इसमें अंदर वार नहीं जाएगा, और ना ही इसमें हमने खाने वाला सोडा यूज किया है, कुछ भी यूज नहीं किया है इसमें। तो आप बच्चों के लिए या कोई घर पे आ रहा है तो आप नाश्ते में बना सकते हैं, रोटी हमारी हमेशा बच ही जाती है 5-6, इस तरह से आप उनको बनाकर नाश्ता खिलाएंगे तो उन्हें भी मालूम नहीं चलेगा कि आपने रोटी से बनाया है। देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। अब इसी तरह से हम जो बची हुई बॉल है उनको भी फ्राई कर लेंगे, तेज़ आँच में ही करना है, फिर से आपको हम बता रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं ये चीज़, फिर आपको हम बताते हैं। तो रेडी है हमारा रोटी का नाश्ता, देख सकते हैं आप कितना अच्छा दिख रहा है, और उतना ही हेल्दी है। और देखिए बिल्कुल भी वाल नहीं सोखा है इसने, आपसे हमने पहले ही बोला था वाल बिल्कुल भी नहीं सोखेगा। तो एक बार आप लोग ज़रूर बनाइएगा ये नाश्ता, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कहीं जा रहे हैं लेके जाइए, सुबह नाश्ते में बच्चों को दीजिए, शाम को आप चाय के साथ भी इंजॉय करिए, मेहमान घर पे आ रहे हैं फिर भी आप बना सकते हैं, और एक बार ज़रूर बनाना, दीपावली आ रहा है, दीपावली पर भी आप बना सकते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, थैंक यू।